सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बिलासपुर के स्वारघाट में आयोजित किए गए एक दिवसीय शिविर में 40 दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई, वहीं 25 बच्चों को विशेष उपकरण वितरित करने के लिए चयनित। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तत्वावधान में बिलासपुर के स्वारघाट में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम मोहाली के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 40 दिव्यांग बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 25 दिव्यांग बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले उपकरण वितरित किए जाने के लिए चयनित किया गया। इस एक दिवसीय शिविर में मोहाली से पुनर्वास विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी शर्मा, टेक्नीशियन भानु प्रताप और श्रवण शक्ति विशेषज्ञ ट्रामा सेंटर बिलासपुर से डॉक्टर संदीप शर्मा मौजूद रहे। बिलासपुर सर्व शिक्षा अभियान के जिला कोऑर्डिनेटर पुष्पराज शर्मा ने बताया कि बिलासपुर जिले के चारों खंडों में इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले उपकरण बांटने के लिए दिव्यांग बच्चों का भी चयन किया गया है। जिला बिलासपुर में दिव्यांग बच्चों के सहायता उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है जिला भर में 4 शिविर आयोजित किए गए हैं। इसमें पहला शिविर 28 तारीख को घुमारवी गर्ल्स स्कूल में जो है आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा खंड घुमारवी 1 और घुमारवी 2 के 86 बच्चों ने जो है भाग लिया। उसमें से 58 बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के उपकरण रिकमेंड किए गए हैं। 29 तारीख को झुंडुता ब्लॉक का शिविर झुंडुता में आयोजित किया गया, वहाँ पर 62 बच्चों ने जो है दिव्यांग बच्चों ने इसमें भाग लिया। इसमें से 36 दिव्यांग बच्चों को विभिन्न उपकरण इस टीम के द्वारा जो है रिकमेंड किए गए हैं। 30 तारीख को सदर ब्लॉक का जो शिविर है वो डाइट दिखाड़ा में आयोजित किया गया। इस शिविर में 47 दिव्यांग बच्चों को जो है विभिन्न उपकरण इस टीम के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। आज स्वारघाट ब्लॉक का जो शिविर है वो स्वारघाट में जो है पीआरसी भवन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 35 दिव्यांग बच्चों ने जो है अभी तक भाग लिया है और उसमें से 26 दिव्यांग बच्चों को जो है विशेष उपकरण रिकमेंड। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन विक्रम ठाकुर के साथ विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।